हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा सिंह योर इंग्लिश टीचर। और हमने सप्लीमेंट्री में चैप्टर तानसेन का फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर तानसेन। इसमें आपने पढ़ा था जब उन्होंने अकबर ने तानसेन को अपने कोर्ट में ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट किया। अब इसके आगे का हम जो है पार्ट अब इस बार पढ़ेंगे, ध्यान से ज़रा देखिएगा। अब यहाँ पे तीन पॉइंट आ रहे हैं। पहला है तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। तानसेन जो थे अकबर के कोर्ट में फेमस हो गए। वंस ही वाज आस्ड टू सिंग रगा दीपक। एक बार उनसे रगा दीपक गाने को कहा गया। अब रगा दीपक होता क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। तानसेन आस्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग रगा मेघ आफ्टर रगा दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। कॉन्ट्रैक्ट माने काटना, किसी चीज़ को चेक करना। तो तानसेन आस्ड, उन्होंने कहा अपनी लड़की से और हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड थी, सहेली थी उससे, टू सिंग गाने के लिए रगा मेघ। क्यों गाने के लिए कहा? आफ्टर द रगा दीपक। रगा दीपक किसे गाना था? तानसेन को। तो उन्होंने, तानसेन ने अपनी लड़की और उसकी जो फ्रेंड थी उसको रगा दीपक गाने के लिए कहा। किस लिए कहा? टू कॉन्ट्रैक्ट माने काटने के लिए द इफेक्ट ऑफ द लेटर। क्योंकि रगा दीपक गाने के बाद, जो तानसेन रगा दीपक गाते हैं उसके बाद में जो इफेक्ट होता है उसको ख़त्म करने के लिए। अब ये स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तब हम इसे पता लग पाएगा कि रगा दीपक और रगा मेघ है क्या। देखिए आगे, तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556। तानसेन ज्वाइंट अकबर कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। और वो बहुत जल्दी राजा अकबर के फेवरेट बन गए। अकबर पुट कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। तानसेन कभी भी अकबर को दिन रात कभी भी गीत गाने के लिए बुला लेते थे। क्वाइट ऑफन इसके अलावा ही वुड जस्ट वॉक टू तानसेन हाउस। वो कभी भी तानसेन के घर चले जाते थे टू हियर हिम प्रैक्टिस, जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे उसको सुनने के लिए। ही आल्सो गिव हिम मैनी प्रेजेंट्स। प्रेजेंट्स माने उपहार, गिफ्ट्स। उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते थे। सम ऑफ द कॉर्डियर। कॉर्डियर कौन होते हैं? कोर्ट में जो लोग बैठते हैं, जो दरबार में बैठते हैं, दरबारी वो कॉर्डियर हो गए। बिकम जेलस ऑफ तानसेन। वो तानसेन से जलने लगे। जैसे क्लास में हमने आपको बताया था, क्लास में होता है कि एक बच्चा बहुत अच्छा हो जाए और उसकी तारीफ होने लगे, उसको हर टीचर प्रेज करने लगे, तो और बच्चे थोड़ा सा जेलस फील करते हैं। वी शल नेवर बी हम कभी भी नहीं टू एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रुइन। रुइन माने होता है बर्बाद होना। जब तक तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो लोगों ने डिसाइड किया, उन्होंने सोचा जब वो जलने लगे, उन्होंने सोचा जब तक तानसेन है, तानसेन जब तक रहता है तब तक वो बर्बाद नहीं होता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। डे डिक्लेयर्ड, ये उन लोगों ने फैसला किया। तो वन ऑफ द कॉर्डियर, जब वो लोग बैठे बातें कर रहे थे, दरबारी थे उनमें से एक, वन ऑफ द कॉर्डियर माने सभी दरबारी में से एक दरबारी ने, जिसका नाम था शौकत मियाँ, हैड अ ब्राइट आइडिया। उसके मन में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। तो उसके मन में जो आइडिया आया उसको देखते हैं क्या आइडिया आया। उसने कहा लेट अस मेक सिंग हिम रगा दीपक। ही सेड, उसने कहा कि चलो हम लोग उससे रगा दीपक गाने को कहते हैं। हाउ विल डैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। तो दूसरे दरबारी ने उससे पूछा इससे हमारा हाउ विल, किस तरीके से, कैसे, डैट हेल्प अस, ये हमारी हेल्प करेगा रगा दीपक। तो वो कहता है इफ़ रगा दीपक इज संग प्रॉपरली, अगर रगा दीपक को सही से गाया जाता है, इट मेक्स द एयर सो हॉट। तो वो हवा को इतना, रगा दीपक, दीपक कैसा होता है? गर्म। दीपक कैसा होता है? HOT, हॉट। तो जब उसको, रगा दीपक को सही से गाया जाता है तो वो हवा को भी इतना गर्म कर देता है, डेट द सिंगर के जो गाने वाला होता है इज बर्न टू एशेज। बर्न माने वो जल जाता है, टू एशेज माने होता है राख बनना, जलकर वो राख हो जाता है। तानसेन इज वेरी गुड सिंगर। वो लोग कहते हैं तानसेन बहुत अच्छे सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स रगा दीपक, अगर वो रगा दीपक गाते हैं, ही विल डाई, वो मर जाएंगे, एंड वी विल रिड ऑफ हिम। रिड माने होता है छुटकारा पाना। तो वो कहते हैं हम लोग उससे छुटकारा पा जाएंगे। तो शौकत मियाँ वेंट टू अकबर, फिर शौकत मियाँ अकबर के पास जाते हैं, सैड, क्या कहते हैं, वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, हमें नहीं लगता तानसेन एक ग्रेट सिंगर, अच्छे सिंगर हैं। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उनका टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग रगा दीपक, आप उनसे कहिए कि वो रगा दीपक गाएं, अगर वो गा लेते हैं तो वो अच्छे सिंगर हैं। क्योंकि ओनली ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। प्रॉपरली मीन्स होता है बिल्कुल ठीक तरीके से। उन्होंने कहा कि केवल जो ग्रेट सिंगर होते हैं, अच्छे सिंगर होते हैं, सबसे महान होते हैं, वही इसको सही से गा सकते हैं। तो ऑफ़ कोर्स ही कैन सिंग इट। तो अकबर को उस पर पूरा भरोसा था तानसेन पे। तो अकबर बोले हाँ क्यों नहीं, वो गा सकते हैं। तानसेन कैन सिंग एनी थिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता। अकबर सेट, अकबर ने ये बात कह दी शौकत मियाँ से। तानसेन बाज एफर्ट, जब तानसेन ने सुना ये बात तो वो डर गए, क्योंकि उन्हें पता था ये गाने के बाद वो जीवित नहीं बचेंगे। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। डिसओबे मीन्स होता है बात ना मानना। लेकिन तानसेन जो है राजा की बात
जो है उसकी अवहेलना नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, वेरी वेल माई लॉर्ड, माई लॉर्ड मरे है मेरे मालिक, ही सैड। तानसेन ने कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन उन्होंने कहा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कि मैं रगा दीपक गाने के लिए अपने लिए प्रिपेयर कर पाऊँ, उसकी प्रैक्टिस कर पाऊँ। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट अनहैप्पी, अनहैप्पी माने ना खुश, उदास, ना ही वो इतने कभी डाउन कास्ट माने इतने निराशापूर्ण थे, ना ही कभी वो इतने उदास रहे जितना उस दिन थे। आई कैन सिंग रगा, उन्होंने सोचा कि मैं गाऊंगा। ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी उसने उन्होंने अपनी वाइफ किससे, हुसैनी से कहा, बट द हीट इज गिव्स ऑफ, लेकिन जो हीट उससे निकलेगी मेरे गाने से, विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, उससे ना केवल मसाले, जो मसाले बुझी होंगी वो जल जाएगी, इतनी उससे गर्मी फैल जाती है कि जो मसाले बुझी हुई रखी होती वो भी जल जाती हैं। इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस, और संग संग मैं भी उसमें राख हो जाऊँगा। जब उन्होंने बात अपनी वाइफ से कही, आगे क्या हुआ, देन ही हैड एन आइडिया, अकबर के लिए सॉरी तानसेन को एक आइडिया आया। उन्होंने क्या कहा, इफ़ कोई, अगर कोई समवन, कोई भी सिंग्स रगा मेघ गाता है एट द सेम टाइम, उसी समय। तो रगा मेघ का क्या मतलब होगा, मेघ, मेघ माने क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बादल, और जब बादल आते हैं तो क्या हो जाता है, वर्षा। तो अगर कोई भी रगा मेघ मतलब जो बादल से होने वाली वर्षा को उस समय पर गाएगा एंड सिंग इट प्रॉपरली, उसको सही से गाएगा, इट विल ब्रिंग रेन, तो उससे क्या आ जाएगी, बारिश आ जाएगी। पर हैव शायद आवर डॉटर, सोचते हैं तानसेन, सोचते शायद मेरी हमारी डॉटर सरस्वती इसको गाए, एंड हर फ्रेंड रूपबती, है उसकी जो दोस्त है, फ्रेंड है रूपबती, इसको कुड डू इट, वो इसे कर पाए, उन्होंने ये सोचा। अब उन्होंने क्या, ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग रगा मेघ, उन्होंने अपनी लड़की और उसकी सहेली दोनों को रगा मेघ गाने की पूरी प्रैक्टिस करवाई। दे प्रैक्टिस्ड डे एंड नाइट फॉर 2 वीक्स, उन लोगों ने दो हफ्तों तक दिन रात प्रैक्टिस करी। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन्हें बताया, क्या कहा, यू मस्ट वेट, तुम लोगों को वेट करना है, टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, तुम लोगों को तब तक नहीं गाना है जब तक मसाले ना जलने लगे, देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और जैसे ही मसाले जलने लगे तो इतनी गर्मी फैल जाएगी कि उसके आगे फिर मुझे बचना मुश्किल हो जाएगा, तभी आपको ये गाना है। आगे क्या हुआ, बोथ रगाज वर संग अकॉर्डिंग टू द प्लान, अब दोनों रगा मेघ और रगा दीपक प्लान के अकॉर्डिंग जलना चालू हो गए। अकबर पनिश तानसेन इनमीज, उसके बाद क्या, अकबर ने तानसेन के इनमीज को पनिश किया। अकबर डाइड, तानसेन डाइड इन 1585, और तानसेन की डेथ कब हुई, 1585। अब इसको जरा देखते हैं एक बार, इसमें फिर हुआ क्या। द लेजेंड गोज डेट ऑन द अपॉइंटेड डे, अब उस जिस दिन अपॉइंटेड डे माने जो दिन डिसाइड किया गया था ये गाने के लिए, उस दिन लेजेंड माने बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे पहुँचे। द होल टाउन असेंबल्ड, असेंबल्ड माने क्या होता है, इकट्ठा होना, पूरा शहर वहाँ पे इकट्ठा हो गया। तानसेन सिंह रगा दीपक टू हियर तानसेन सिंह रगा दीपक, तानसेन को रगा दीपक गाते हुए देखने के लिए। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जैसे ही उन्होंने गाना चालू किया, द एयर बिकेम वार्म, हवा कैसी हुई, गर्म। सून पीपल इन द ऑडियंस, बहुत जल्दी पीपल इन द ऑडियंस, जो सुनने वाले लोग बैठे होते हैं, बर बात, वो लोग भीग गए। इन परस्पिरेशन, परस्पिरेशन मीन्स होता है SWEAT, स्वीट, स्वीट माने क्या होता है, पसीना। जितने लोग थे वो काय में भीग गए, पसीने में वो लोग भीग गए। द लीव्स ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की जो पत्तियाँ थी ड्राइड, सूख गई। अप एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और नीचे गिरने लगी। एज द म्यूजिक कंटिन्यू, जैसे जैसे तानसेन गाते रहे, द बर्ड्स जो पक्षी थे फेल डेड मरमर के गिरने लगे। बिकॉज ऑफ द हीट, क्योंकि हवा में इतनी गर्मी हो गई, एंड वाटर द रिवर, जो पानी था नदियों का, जो पानी था वाटर ऑफ द रिवर टू बॉयल, वो उबलने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, लोग डर से चिल्लाने लगे। एज द फ्लेम शॉट अप ऑफ द नोवेयर, क्योंकि चारों तरफ जैसे कि ज्वालाएं निकलने लगीं। एंड द लाइटेड द लैम्प, और लैंप जो जलने थे, मशाल तो थी, वो जल उठी। जैसे ही मशाल जल उठी, प्लान के अकॉर्डिंग द एट वन सरस्वती एंड रूपबती बिगेन टू सिंग रगा मेघ, सरस्वती और रूपबती ने रगा मेघ गाना स्टार्ट कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, आसमान में बादल छा गए। एंड रेन डाउन केम डाउन, और रेन जो थी नीचे, मतलब वर्षा जो थी नीचे आने लगी। तानसेन बाज सेव्ड, तानसेन जो है वो बच गए। द स्टोरी गोज डैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिल, लेकिन हुआ क्या, इसके बाद वो बहुत बीमार पड़ गए। एंड अकबर बाज सॉरी, अकबर को बहुत अपने अंदर से सॉरी फील हुआ, डैट ही हैड caused हिम सो मच सफरिंग, क्योंकि उनकी वजह से तानसेन को बहुत सारी सफरिंग माने होता है, सफरिंग माने होता है आपकी परेशानियों का सामना करने पड़ा। ही पनिश तानसेन इनमीज, अकबर ने तानसेन के जो इनमीज थे, कर्टियर थे, शौकत मियां थे, उनको पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन सही हो गए, द इंटायर सिटी रिजॉइस्ड माने होता है हैप्पी होना, रिजॉइस माने क्या होता है, हैप्पी होना। तो पूरा शहर जो था वो खुश हो गया। तानसेन रिमेंड अकबर कोर्ट सिंगर, तानसेन अकबर के कोर्ट के सिंगर रहे
टिल 1585 1585 तक वैन ही डाइड, जब तक वो एक्सपायर नहीं हुए, उनकी डेथ नहीं हुई। ही कंपोज सेवरल न्यू रगा, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे अलग रगा की को लिखा या कंपोज किया। तानसेन टॉम, तानसेन का टॉम माने होता है स्टैचू, टॉम माने क्या होता है स्टैचू। तानसेन का जो स्टैचू है इज़ इन ग्वालियर, कहाँ है ग्वालियर में है, ठीक है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज समझते हैं आप, तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान, होली प्लेस। जैसे कि हिंदू लोग हरिद्वार वगैरह जाते हैं, मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं अजमेर वगैरह, सिख लोग अमृतसर वगैरह। तो ये अपने धर्म के अकॉर्डिंग एक तरीके से तीर्थ स्थान हो गया। इसी तरीके से जो म्यूजिशियन थे उनके लिए जो है ग्वालियर में जो तानसेन की टॉम्ब है, तानसेन का जो स्टैचू है, वो एक तरीके का तीर्थ स्थान है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, एक बार इनको भी डिस्कस करते हैं। वाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड, स्वामी हरिदास ने ऐसा क्यों कहा कि तानसेन टैलेंटेड है। बिकॉज तानसेन इमिटेटेड द वर्ड्स एंड एनिमल्स कॉल परफेक्टली, क्योंकि जो तानसेन हैं वो पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ को बिल्कुल नकल कर लेते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। दूसरा, वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट, अकबर ने तानसेन को उनका कोर्ट ज्वाइन करने के लिए क्यों कहा। बिकॉज तानसेन वाज वेरी टैलेंटेड एंड वेरी गुड म्यूजिशियन, क्योंकि वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, बहुत टैलेंटेड थे। हाउ डू वी नो डैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन, कैसे आप कह सकते हैं कि अकबर जो थे तानसेन के बहुत ज़्यादा आदि थे, आप ये बात कैसे कह सकते हैं बताइए कि अकबर जो थे वो तानसेन के बहुत ज़्यादा आदि थे। तो इसका एक उदाहरण क्या हो सकता है कि अकबर के तानसेन जो थे वो अकबर के बहुत ज़्यादा आदि थे, इसके हमें दो बताने हैं। तो दो कैसे हो सकते हैं, अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एनी टाइम, क्योंकि वो कभी भी तानसेन को गाने के लिए अपने पास बुला लेते थे, क्वाइट ऑफन। इसके अलावा अकबर वेंट टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, वो कभी भी तानसेन के घर जाकर उनकी प्रैक्टिस को सुनते थे। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड अदर कर्टियर फील अबाउट तानसेन, तो दूसरे कर्टियर थे तानसेन के बारे में क्या फील करते थे। तो दे फेल्ट जेलस ऑफ तानसेन, वो तानसेन से जेलस फील करते थे। फिर फिफ्थ वाला है, इसमें दो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ रगा दीपक इज संग प्रॉपरली, अगर रगा दीपक को हम सही से गाते हैं तो क्या होता है। तो इफ रगा दीपक इज संग प्रॉपरली इट मेक्स द हेयर वेरी हॉट, हेयर को कैसे कर देता है हॉट एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट क्या आता है द सिंगर इज बर्न टू एशेज, जो सिंगर है वो भी बन जलकर राख हो जाता है। दूसरा, व्हाई डिड तानसेन इनिमीज वांट हिम टू सिंग रगा, तानसेन के इनिमी क्यों चाहते थे कि वो रगा गाएं, बिकॉज दे न्यू इफ इट संग प्रॉपरली, अगर तानसेन कुड सिंग रगा दीपक प्रॉपरली दे वुड गेट रिड ऑफ हिम, बिकॉज ही वॉज डाइड, क्योंकि उन्हें पता था अगर तानसेन को सही से गा लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इसमें डेथ हो जाएगी और वो उनसे छुटकारा पा जाएंगे। फिर सिक्स क्वेश्चन है, वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग रगा दीपक, तानसेन रगा दीपक गाने के लिए एग्री क्यों गए, क्योंकि ही डेयर्ड नॉट टू डिसओबे, ही वॉज वेरी ओबीडियंट, और वो कभी भी राजा की अनुमति का पालन नहीं करे बिना नहीं रह सकते थे, मतलब उन्हें अनुमति का पालन करना ही था, इसलिए उन्होंने आने के लिए राजी होकर अपने जीवन की रक्षा नहीं करी। व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए क्या करा। तो इसका आंसर होगा, तानसेन थॉट डैट इफ समवन संग रगा मेघ एट द सेम टाइम, उन्होंने सोचा अगर कोई रगा मेघ उसी समय पर गाए इट वुड रेन, उसे बारिश होने लगेगी, ही वुड बी सेव्ड, अब वो सेफ हो जाएंगे। डिड हिज प्लान वर्क, उनके प्लान ने क्या काम किया, यस हिज प्लान वर्क्ड, ठीक है। आगे क्या है, हाउ कैसे करा, तो देखिए ही स्टार्टेड सिंगिंग, उन्होंने गाना स्टार्ट किया एंड द बेयर बिकेम हॉट, हवा हॉट हो गई, ही द ऑडियंस स्टार्टेड परस्पायरिंग, ऑडियंस जो थी वो पसीने में भीगने लगी, द लीव्स ऑफ द ट्रीज बिकेम ड्राई, पत्तियां जो थी पेड़ों की वो सूख गई, बर्ड्स फेल डेड, पक्षी मरने लगे, द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल, अब नदियों का पानी जो था वो भी बॉयल होने लगा। इसके बाद क्या हुआ, फ्लेम शॉट अप लाइटेड द लैंप, जब फ्लेम्स ज्वालाएं उठने लगी, मशाले जल गई, तभी क्या हुआ, जस्ट देन द टू गर्ल्स, जो दो लड़कियां थी सरस्वती एंड हर फ्रेंड, बिगन टू सिंग रगा मेघ, वो लोग क्या गाने लगी, रगा मेघ, एंड द एयर बिकेम द रेन केम डाउन, एंड और क्या हुई, ऊपर से बारिश होने लगी, एंड तानसेन लाइफ बस सेव, तानसेन का जीवन जो बच गया। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, आप इसको पढ़ेंगे पूरा चैप्टर एक बार रीड करके देखेंगे जैसे हमने आपको करा, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को आप सप्लीमेंट्री की कॉपी में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।